ठीक है, अब यहाँ से हम ग्वैनी को मार सकते हैं। मरो। नहीं, मेरा दो गोली। तो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा हाउस एस्केप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 1 खेलने वाले हैं और हम डोर से निकलेंगे, कार से नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम इजी मोड में ही खेलते हैं। चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट करते हैं। हमें कोई घिसकता हुआ पीछे ले रहा है, तो हमारा आईज भी बंद हो गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये हम एक घर में आ गए हैं। ये घर बुरा भी नहीं है, तो इस घर से हमें निकलना है। तो हमें ब्लैक की मिल गया है, तो हम अब ढूंढने जाएंगे कटिंग पिलर, जो कि हमें इस रूम पर मिल सकता है। ग्रैनी आ रहा है, ग्रैनी आ रहा है, ग्रैनी ही है ये। कटिंग पिलर हमें मिल गया, पहले छुप जाते हैं। ग्रैनी आसपास नहीं है, हम ले सकते हैं कटिंग पिलर। फिर से ग्रैनी आ रहा है, हम छुप जाते हैं। ग्रैनी की आवाज़ अब नहीं आ रही है, तो हम, मुझे लगता है हम निकल सकते हैं। तो हमने कटिंग पिलर ले लिया है, तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ ग्रैनी मत होना, ग्रैनी मत होना, ग्रैनी नहीं होना, ग्रैनी नहीं होना, ग्रैनी नहीं है ना, नहीं है। तो हम इस तरफ से फ्रीली जा सकते हैं। तो इसको हम पहले गैरेज जो है उसके वो गेट के वहाँ पर रख के आते हैं, क्योंकि वो बाद में काम पे आएगा। ग्रैनी नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है मैं निकल सकता हूँ, मैं निकल सकता हूँ। वो ग्रैनी आ गया, ग्रैनी आ गया, ग्रैनी आ गया। ग्रैनी ने हमको देख लिया है, वो अब हमको फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ही इसको रख देते हैं और इस हथौड़ा को लेकर इस दीवार को तोड़ते हैं। हम यहाँ पर एक क्रोबो मिलेगा, वो हम लास्ट बाद में लेंगे। तो पहले हथौड़ा का काम है। ग्रैनी को आने दो, ग्रैनी को आने दो, ग्रैनी आ रहा है, ग्रैनी आ रहा है। हमको सीसीटीवी ने नहीं देखा, इसीलिए ग्रैंडपा नहीं आ रहे हैं, ग्रैनी आ रहे हैं। उनसे मैनेज करके निकालना होगा हमको। ये रहा, ग्रैनी आ रहा है। ग्रैनी धीरे धीरे चलता है बहुत। तो ये ग्रैनी आ रहा है, इस दीक से आएगा तो हम उस दीक से निकल जाएंगे। आ गया, आ गया, आ गया, अब हम निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। ग्रैंडपा मत होना, ग्रैंडपा मत होना, सीसीटीवी ने देख लिया है, अब ग्रैंडपा भी आएगा। तो हम निकल गए, निकल गए, निकल गए, हम निकल गए, हमको किसी ने नहीं देखा है। तो हम, हमें ये नीचे भी गैरेज के वहाँ रखना पड़ेगा। पहले इसको तोड़कर हम छुप जाते हैं। हम छुप गए, ग्रैनी और ग्रैंडपा को आने दो, वो लोग ज़रूर आएंगे। मुझे लगता है मैं निकल सकता हूँ, नहीं निकल सकता। इस तरफ ही आ रहे हैं,
ये बहुत देर से आते हैं, आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, यहीं है, यहीं है, हम नहीं निकल सकते अभी, उनको जाने दो, जा रहे हैं क्या? अरे चले जाओ ना रे बाबा। अबे ये लोग जाते क्यों नहीं? चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, जल्दी से चले जाओ। जा रहे हैं जा रहे हैं, तो अब हम निकल सकते हैं यहाँ से। हमें गैरेज में जाकर अभी जो क्रॉबो है ना, उसको लेना है। तो यहाँ से हम पहले गन का पार्ट और बुलेट्स ले लेते हैं, ये हमको हमें बाद में काम में आएगा। यहाँ पर भी एक गन का पार्ट पड़ा होता है, यहाँ से भी हम ले लेंगे। ये रहा एक गन का पार्ट और बुलेट, गन का पार्ट ले लिया और एक बुलेट भी ले लिया। अब हमें जो है ना, नीचे जाकर हमें इस हथौड़ा को रखकर क्रोबो चाहिए। ये जो ड्रेन्स जैसे कुछ है, इनको खोलने के लिए। कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे लग रहा है ग्रैनी आ रही है। तो ग्रैनी अगर इस तरफ से आ रही है तो हम इस तरफ से निकल सकते हैं। कैमरा ने हमें नहीं देखा, तो हम इसको यहाँ पर रख के इसको ले लेते हैं। तो अब हम ग्रैनी का वेट कर रहे हैं, ग्रैनी आने पर हम निकल सकते हैं। बहुत देर करता ही है जो ग्रैनी है, जो ग्रैनी हॉरर गेम है ना, उसमें ग्रैनी बहुत फास्ट है, पर इसमें ग्रैनी बहुत स्लो है। यहाँ पर हम आवाज़ कर देते हैं, अरे आओ ना रे बाबा, कहाँ रुक गए? हमें ही आगे जाकर देखना होगा। मुझे लग रहा है, अरे हाँ वो तो स्टेयर केस पर ही है मुझे लगता है, जब तक वो आए भी नहीं तब तक हम निकल भी नहीं सकते। इस तरफ से ही ग्रैनी आएगा, देखना ग्रैंडपा आ रहा है। पर ग्रैनी कहाँ है? यहाँ पर हम मरेंगे, यहाँ पर हम मरेंगे, यहाँ पर हम मरेंगे, यहाँ पर हम मरेंगे, मर जाएंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर हम मरेंगे। हम बच गए, बच गए, हम बच गए। यहाँ पर देखो ग्रैनी आ गई। कितना स्लो है ये, इसका स्लोनेस की इसका लेजीनेस की वजह से ही हम यहाँ से बच पाए। यहाँ से हम गन का बुलेट्स ले लेते हैं, यहाँ पर गन का बुलेट्स पड़ा रहता है। अब वो इस डायरेक्शन पर ना आ जाए तो हम उस दिख से ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिस्क हो जाता है। तो अभी ग्रैनी मुझे लग रहा है नहीं है, वो चली गई है उसके रूम पर। ये एक बहुत मज़े की बात है, ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ही नीचे रहते हैं, इसीलिए ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं। जो ग्रैनी की पैरों की आवाज़ आ रही है। ग्रैनी ने दरवाज़ा खोला, कहीं वो पीछे से ना आ जाए। अब हमें अब क्रॉसबो इस साइड रखना होगा, अब यहाँ से ग्रैनी ना आ जाए। क्रॉसबो यहाँ पर रख दिया। हमें अब जो सॉ है ना वो चाहिए। तो अब हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं, मुझे लग रहा है। मुझे अब यहाँ से ग्रैंडपा को बुलाना होगा। ग्रैंडपा ने कैमरा देख लिया है, वो ज़रूर आएंगे। हमें वहाँ से जो है ना सॉ चाहिए, मतलब इस प्लैंक्स को काटने के लिए वो चीज़ चाहिए। तो ग्रैनी उस तरफ जा रही है, ग्रैंडपा आ रहा है।
ग्रैंडपा आ रहा है। ग्रैंडपा को हम चकमा दे सकते हैं। हम भाग गएंगे, हम निकल जाएंगे। ग्रैनी नहीं होना, प्लीज़ नहीं होना। ओ इस तरफ तो नहीं, हमें सीधा जाना है। अब हम ऊपर ही चले जाते हैं क्योंकि हम फिर से फंस जाएंगे अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा तो ग्रैंडपा क्या हम का फॉलो करेंगे? तो हाँ, वो हमें फॉलो कर रहे हैं। तो ये ठीक है। अब हम नीचे जाकर वहाँ से ग्रैंडपा का जो सॉ है ना, उसको हम ले सकते हैं। वो दोनों ही वहाँ पर है। ठीक है, हम ले कर भाग जाएंगे यहाँ से। ले लिया। यहाँ पर हम छुपे रहते हैं, दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। तो फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा को पता भी नहीं आएगा कि हम यहाँ पर हैं। तो फिर बाद में हम भाग सकते हैं। तो घुटनों की आवाज़ कम हो रही है, मुझे और घुटनों की आवाज़ नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है मैं निकल सकता हूँ। फिर से घुटनों की आवाज़ मिल रही है। अब वो लोग ऐसा ना हो कि इस रूम में आ जाए। मुझे लगता है ये ग्रैनी उसके रूम पर वापस जा रही है। ठीक है, जाने दो। हम यहाँ से डायरेक्ट गैरेज पर चले जाएंगे। तो अब हम भाग सकते हैं, भाग लेंगे। ग्रैनी राइट साइड पर है। हम गैरेज से प्लैंक्स लेकर ही रहेंगे। हमें प्लैंक्स चाहिए जिससे कि हम ग्रीन की तक जा सके। तो हमें प्लैंक्स भी मिल गया है। हम इस प्लैंक्स की वजह से कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ग्रैनी और ग्रैंडपा कहाँ से आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता इस प्लैंक्स की वजह से। ठीक है, ग्रैंडपा आ गए हैं। ग्रैनी भी उस डायरेक्शन से जाएगा तो हम निकल सकते हैं। जब ग्रैंडपा और ग्रैनी अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं तब निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो लोग एक ही डायरेक्शन से आते हैं तब ठीक है, तब हम उसको चकमा दे सकते हैं। तो अब हमको उनके लिए उनके गेस्ट रूम पर नीचे जाना होगा। ग्रैंडपा कहाँ चला गया? अब ऐसा ना हो हम नीचे जाए और ग्रैंडपा वहाँ भी आए। तो ठीक है, हम नीचे चले गए। सीसीटीवी ने हमें नहीं देखा। वाओ, क्या बेकार सीसीटीवी है इनका। मुझे लगता है ये यहाँ पर है। ठीक है, हमें ग्रीन की मिल गया। तो हम छुप सकते हैं। छुप गए हैं। ग्रैनी को पता भी नहीं चलेगा। तो जब ग्रैनी यहाँ से निकलेगा तब हम निकल सकते हैं इस रूम से। फिर हम जाकर जो है बंदूक उसको ले सकते हैं और फिर हम बंदूक से ग्रैनी और ग्रैंडपा को मार देंगे। हाँ, उनको मार डालेंगे। तो मुझे लगता है वो लोग जा चुके हैं। क्या मैं निकल सकता हूँ? मुझे क्या रिक्स लेना चाहिए? देख सकता हूँ मैं रिक्स लेकर। मैं रिक्स ले सकता हूँ। प्लीज़ ग्रैनी और ग्रैंडपा यहाँ पर मत होना। नहीं, हम बच गए। ग्रैनी यहाँ पर मत होना। जा, ग्रैनी यहाँ पर ही हो गई। मैंने नहीं देखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा कॉरिडोर तक तो की पहुँच गया है। अब हम उस ग्रीन की को लेकर उस डायरेक्शन से भाग सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं ज़रिया, कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। बुढ़ा जी है ना, इसीलिए उनका पेशेंस नहीं है। अब उस जीक से आ रहे हैं तो हम उस डायरेक्शन से जाकर हम उस ग्रीन की को लेकर बंदूक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर से हम निकल गए हैं। मुझे लगता है अब ग्रैनी तो उस डायरेक्शन पे है।
तो उनका उनको पता भी नहीं चलेगा हम इस डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं। ये भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ये जहाँ जा रहा हो यहाँ ही आ वहीं आ रहे हैं। ये क्या चाहते हैं मुझसे? रुको, अब मैं एक प्लानिंग से जाऊँगा यहाँ पर। आने दो ग्रैनी को, आने दो आने दो आने दो, और वापस जाने दो, वापस जाने दो। हम देख सकते हैं उस डायरेक्शन से, हम देख सकते हैं कि ग्रैनी वापस जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम देख सकते हैं ग्रैनी वापस जा रहा है। उन्होंने मुझे देख लिया है, उन्होंने मुझे देख लिया है। अब हम ठीक है, आने दो यहाँ पर ही, आने दो, आ जाइए यहाँ पर, फिर हम उस डायरेक्शन से निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम अरे उठ जाना रे बाबा, उठ गया। तो अब हम यहाँ से ग्रीन की तक जा सकते हैं। मुझे लग रहा है हम बंदूक बना पाएंगे, हमें बंदूक चाहिए। नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, ठीक है, हम यहाँ पर सेफ है ग्रैनी और ग्रैंडपा के ग्रैंडपा से। तो यहाँ पर हम इसको, ये क्या चीज़ है, क्रॉसबो है, क्रोबो है, इसको लेना पड़ेगा। इसका तो यहाँ पर ही यूज़ है, तो ग्रीन की को उठा लेते हैं, इसको खोल देते हैं, इसको फेंक कर। यहाँ पर एक गोलिया है, इसको हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम बंदूक बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा बंदूक, 6 गोलिया का बंदूक। तो अब हम ग्रैनी और ग्रैंडपा को नहीं छोड़ेंगे, उनको चुन चुन कर देख लेंगे, चुन चुन कर देख लेंगे उनको। ठीक है, अब यहाँ से हम ग्रैनी को मार सकते हैं। मरो, नहीं, मेरा 2 गोलियाँ भी नष्ट कर दिया और मुझे मार भी डाला। ये ग्रैनी चीज़ क्या है, ये मरती भी नहीं, ये डरती भी नहीं, ये चीज़ क्या है? ये इंसान है और कुछ, ये इंसान है और कुछ भूत टूत है, मुझे तो लग रहा है चुड़ैल है। ठीक है ठीक है, अब हमें, ओ ग्रैंडपा रहे हैं, ग्रैंडपा आ रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन से निकल सकते हैं। दोनों ही आ रहे हैं, तो ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रैनी भी आ रही है, होगी तो हम इस डायरेक्शन से निकल जाएंगे। यहाँ पर से हम बंदूक ले लेंगे, बंदूक लेकर ग्रैनी को भी नहीं छोड़ेंगे और ग्रैंडपा को भी नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों को चुन चुन कर देख लेंगे, चुन चुन कर देख लेंगे। अब हमारे पास 4 ही गोलियां लेफ्ट है, तो एक ग्रैंडपा तो गई, अब ग्रैनी तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इसका टीप ज़रा सा उल्टा है, तो ठीक है, यहाँ पर ही रख देता हूँ मैं गन को। गन हमें फिर से बाद में चाहिए, यहाँ पर हमें रेड की मिल सकता है, रेड की होना, रेड की हमें मिल गया। अब रेड की से हम उसको ले सकते हैं, वो जो है ना बॉक्सेस तोड़ने के लिए, उसको हम ले सकते हैं। क्या कहते हैं उसको हिंदी में पता नहीं, छोड़ो, जल्दी से हमें करना पड़ेगा जल्दी से। या यहाँ का बॉक्सेस हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हम दौड़ से जाने वाले हैं ना, यह सब बॉक्सेस है कार के लिए, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी हमें बहुत काम करना है। यहाँ पर हम इसको गैरेज पर रख के आते हैं। गैरेज कहाँ है, गैरेज ये रहा, गैरेज मिल गया। यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, और क्या चाहिए, वो हाँ हमें प्लस चाहिए, मीन्स वो जो रेंज है ना, हम उसको बंगाली में रेंज ही कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, छोड़ो,
हम उसको ले आते हैं, वो उसको लेना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ग्रैनी जगी हो तो, इसको भी ले लिया। और तो मुझे लग रहा है कुछ अब नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो फिर बाद में ले लूँगा, अभी हमको निकलना है। बंदूक भी ले लेंगे हम, ये रहा, इसको हम यहाँ पर ही आके देते हैं। ये अब ग्रैंडपा ना जाग जाए, ग्रैंडपा को तो हमने बहुत पहले मारा था। ग्रैंडपा मत जागना, ग्रैंडपा मत जागना। ये हमने बंदूक उठाया, उठ जाना रे बाबा। ग्रैंडपा, मेरे ग्रैंडपा को बाद में मारना है, उसके पहले हम, ओ ग्रैंडपा अगर नहीं जागेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे अगर ग्रैंडपा नहीं जागेगा तो। ग्रैंडपा को तो जागना ही है, ग्रैंडपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। रुको, ये गन भी हम ले जाएंगे, पहले हम स्कोबार से ग्रैनी और ग्रैंडपा दरवाज़ा खोल देना, फिर मैं उनको मार के वहाँ से निकल जाऊँगा इस घर से। नहीं रहना है मुझे ये बेकार सा घर में, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे निकल जाना है यहाँ से। तो अभी यहाँ पर ग्रैनी का, ग्रैंडपा का यूज़ है, जब तक ग्रैंडपा नहीं जागेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रैंडपा जग गए, थैंक्स गॉड, ग्रैंडपा जाग गए हैं, ग्रैंडपा हमारी हेल्प करने के लिए जाग गए हैं। तो हम जब वो दरवाज़ा खोल देंगे ना तब हम, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। एक गोली नष्ट हो गए, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से एक गोली पाऊँ। अब एक ही गोली बचा है, उससे हमें ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा और उसके बाद हम ग्रैनी को मैनेज करके इस बुरे घर से निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, हम अब निकल सकते हैं। इस घर का दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो। तो यहाँ से वो निकलेंगे ना ग्रैंडपा, ठीक है, मैं भी देख लूँगा ग्रैंडपा को। ओह नो, ग्रैनी उस दरवाज़े, ग्रैंडपा उस दरवाज़े से निकलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। कैमरा क्या, एक फालतू कैमरा है ये, ग्रैंडपा का जो कैमरा है ना ये भी बहुत फालतू है, कोई भी काम में नहीं आता, जब काम के लिए चाहिए तभी नहीं आता। अरे आ जाओ ना ग्रैंडपा, कितना देर लगाओगे। आ रहा है, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हमको, मुझे लगता है 25 मिनट्स में ये ख़त्म हो जाएगा। मारो 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 ग्रैंडपा को मारो, मार दिया, हो गया हमारा काम, हाफ काम हमारा यही हो गया, ग्रैंडपा को मारना ही हमारा हाफ काम था। ये रहा, ये हमको लेंगे, और ये जो स्क्रू और नाट है ना इसको हम खोलेंगे। अब ग्रैनी के लिए एक गोली बचा के रखी थी, पर ग्रैनी तो एक गोली तो वहाँ पर ही नष्ट हो गया था, तो छोड़ दो, ग्रैनी को नहीं मार सकते हम, ग्रैनी के साथ ही हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, वो दरवाज़ा अनलॉक हो गया है, ये हमें चाहिए बॉक्सेस तोड़ने के लिए। तो यहाँ से हम बॉक्सेस तोड़ने के लिए जा सकते हैं, यहाँ पर जो बॉक्सेस है ये तोड़ने पड़ेंगे। अब हमें हथौड़ा लेने जाना है, अब प्लीज़ ग्रैनी मत आना, ग्रैनी आएगा तो बहुत टाइम लेगा जाने में, और हमारा पूरा ये जो वीडियो है इसको ही नष्ट कर देगा।
ग्रैनी मत आना, ग्रैनी घर पे बैठे पानी या टी जो भी पी रहा है वो तो नहीं आना, नहीं आना ग्रैनी यहाँ पर, नहीं आना, आवाज़ से ना आ जाए। तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं, हम तालाब को, अब ग्रैनी मत होना प्लीज़, ग्रैनी आ रहा है, इसके पहले हमें निकलना पड़ेगा। हम निकल रहे हैं, हम निकल गए, हम निकल गए, हम निकल गए हैं, हम निकल गए, हम इस घर से निकल गए। कितना खुशी आज मुझे हो रहा है, हम निकल गए इस घर से, इस बुरे घर में मुझे नहीं रहना था, हम निकल गए इस घर से। तो आखिरकार हमने इस गेम को क्लियर कर ही लिया है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी चैप्टर 1 का, कार से निकलने, हम कैसे कार से निकल सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।